बसंत बहार का मौसम यानी कि कटिंग ग्रो करने का सबसे अच्छा टाइम। और इस टाइम पे देखिए प्लांट में ग्रोथ अच्छी अच्छे से होती है और जो भी हम कटिंग लगाते हैं बहुत ही आसानी से जो है इनकी ग्रोथ होने शुरू हो जाती है। तो चलिए आज हम कुछ कटिंग लगाते हैं अपने ही गार्डन में से। तो हेलो दोस्तों, आपका मेरे गार्डन में स्वागत है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, थैंक यू। तो यहाँ पे देखिए टर्टल वाइन की जो कटिंग है बहुत ही आसानी से जो लग जाती है। और जो सेकंड कटिंग है ये है बेबी सनरोज की। बेबी सनरोज काफी अच्छा प्लांट है, गर्मी में बहुत अच्छे से जो इसकी ग्रोथ होती है और इनमें फ्लावरिंग आते हैं छोटे छोटे, दिखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं। और जो तीसरी कटिंग है वो है मॉसरोज पोर्चुलाका की, और पोर्चुलाका की ये दूसरी वैरायटी है। तो इनकी छोटी से छोटी 1 इंच की कटिंग भी आसानी से लग जाती है। और जो अगली कटिंग मैं लगाऊंगी वो है वंडरिंग ज्यू का, ये भी काफी अच्छा जो हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ प्यारा लगता है। और जो अगली कटिंग है वो है ब्रह्मी का, जो हमारे मेडिसिनल प्लांट होते हैं, हम डेली रूटीन में ये काम आते हैं। और पुदीना की कटिंग लगाऊंगी, पुदीना की भी कटिंग काफी आसानी से जो इस टाइम ग्रो हो जाएगी। और जेड एंड हिबिस्कस की कटिंग है। तो इन सभी चीजों की कटिंग मैं आज लगाने जा रही हूँ। इस टाइम पे रोज प्लांट की भी कटिंग काफी आसानी से जो लग जाती है। तो अभी टाइम है बहुत सारे जो प्लांट को मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक से बहुत सारे जो है प्लांट ऐड कर सकते हैं अपने गार्डन में। तो इसके लिए जो सॉइल की बात करूँ तो यहाँ पे मैंने जो लिए है वो है सिंपल सैंड, जो रिवर सैंड होते हैं उनका ही इस्तेमाल कर रही हूँ। तो बस रिवर सैंड को मैंने ग्लासेस में फिल कर लिए। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपल गार्डन सॉइल ले सकते हैं या फिर हम अलग कंटेनर ना लेके जो हमारे परमानेंट पौधे होते हैं उनके ही गमले में हम कटिंग लगा सकते हैं। और जब कटिंग ग्रो हो जाए तो हम निकाल के जो है अलग से पॉट में जो शिफ्ट कर सकते हैं। तो देखिए कटिंग लगाने का सिंपल रूल है, आप कोई भी कटिंग लगाए तो नीचे की जो पत्तियां हैं उनको रिमूव कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए कटिंग जो है बड़ी है थोड़ी, तो ये मैं इनको 2 भागों में जो है काट ले रही हूँ। और जो जेड प्लांट की कटिंग है ये भी जो है 1 इंच तक की कटिंग जो है बहुत ही आसानी से जो है लग जाती है। तो देखिए 2 कटिंग बन गए, बस सिंपल मिट्टी में जो है दबा देना है। 2 से 3 जो नोड एरिया होते हैं वो नीचे कर लीजिएगा मिट्टी के। और बस गमले को जो है, गमले क्या ये ग्लासेस को हम मैट टाइप कर दे रही हूँ ताकि जो मिट्टी अच्छे से जो स्टेबल हो जाए। और ये देखिए मिंट, मिंट का भी सेम है, नीचे की जो है पत्तियां जो है मैं रिमूव कर रही हूँ और इनको जो है मिट्टी में दबा दूंगी। तो ये जो जितने भी कटिंग है मैंने अपने गार्डन से ही लिए हैं। तो हफ्ते के अंदर ही इन कटिंग की जो है ग्रोथ होनी शुरू हो जाएंगी। तो जैसे ही इनकी ग्रोथ हो जाएगी तो क्या करेंगे, हम इनसे निकाल के जो है अलग से पॉट में हम ट्रांसप्लांट कर लेंगे ताकि जो है गर्मियों में अच्छे से जो है इनकी ग्रोथ हो। और बेबी सनरोज बहुत ही प्यारा प्लांट है, हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ बहुत ही प्यारा प्लांट लगता है। ये गर्मियों में दिखने में बहुत ही प्यारा लगता है क्योंकि एक तो ग्रीन ग्रीन दिखता है और उसमें छोटे छोटे से जो फ्लावर है वो भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो बेबी सनरोज की कटिंग तो बहुत ही जरूरी है। अब 1 से 2 है, बहुत सारे प्लांट जो है मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये बरसातों में भी अगर हमने ध्यान नहीं दिया तो बहुत जल्दी जो है ये खराब हो जाता है। तो अगली कटिंग देखिए ये है पोर्चुलाका की। तो इसकी कटिंग क्या करें, हम सिंपल लेके अगर हम मिट्टी के ऊपर भी रख देंगे तो भी ये ना कटिंग इसकी बहुत ही आसानी से चल जाएगी। और इसकी भी कटिंग कम से कम 1 इंच की कटिंग भी ये लग जाती है। तो बस छोटे छोटे कट के इनके जो है लगा लीजिए और कुछ ही टाइम में ये बहुत ही बड़ा अच्छे से जो है ये फैल जाएगा। ये देखिए न्यू ग्रोथ हो गए हैं तो उनको भी हम लगा देंगे इन्हीं में। तो डायरेक्ट हमने क्या करना है कि सिंपल सा ग्लासेस से निकालने हैं जब इनके रूट अच्छे से डेवलप हो जाएंगे और इनको हम नया पॉट में लगा देंगे। तो ऐसे करके मैं सारी कटिंग लगा दूंगी। और कटिंग लगाने के बाद एक चीज का जो है ध्यान देना है, पानी हमने बिल्कुल कम देना है, ज्यादा पानी नहीं देना है। और इन कंटेनर को हमने ऐसी जगह पे रखना है जहां पे जो है हवा इनको ना मिले। देखिए इस टाइम पे क्या है, पतझड़ का मौसम अभी चल रहा है और हवाएं बहुत तेज चलती हैं। तो क्या करेंगे, अगर कटिंग हम लगा के अगर तेज हवा के साथ रख देंगे तो कटिंग क्या है हिलती रहेंगी। तो हिलती रहेंगी तो क्या होगा कि उनमें जो है मिट्टी में गैप बनता जाएगा और उसमें हवा फिर एरेशन से क्या होगा कि जो कटिंग हमारी है उनमें जो है फंगस लग जाएंगे। तो कटिंग क्या है, फंगस लग जाएंगे तो कटिंग ग्रो तो होगी नहीं। तो इसलिए हमने जो है तेज हवाओं से जो है इनको बचाना है। तो देखिए चारों तरफ जो है प्लांट में रखे हैं और उसके बीच में जो है कटिंग रखा हुआ मैंने।
और टर्टल वाइन की भी कटिंग सेम है, अगर सिंपल सा आप ऐसे ही मिट्टी में रख देंगे तो इनकी कटिंग बहुत ही आसानी चल जाएगी और बहुत ही फास्ट जो है टर्टल वाइन ग्रो करता है। और ये भी हैंगिंग बास्केट में लगा हुआ बहुत ही प्यारा सा पौधा लगता है। तो थोड़े थोड़े अमाउंट में हमने पानी देना है, देखिए ज़्यादा पानी नहीं देना है। और दूसरी बात यह है कि इस टाइम पे आप जब भी कटिंग लगा रहे हैं तो उनमें क्या है, रूटिंग हार्मोन्स लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बिना रूटिंग हार्मोन्स के जो है कटिंग जो इस टाइम पे चल जाएंगी, तो बिना किसी टेंशन के आप बहुत सारे जो है कटिंग लगा लीजिए, एक से बहुत सारे जो है पौधे बनाइए और अपने गार्डन में ऐड कीजिए और गार्डन की जो खूबसूरती को है वो बढ़ाइए और अपने पास रखिए कुछ, और कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। तो ऐसे हमारा नेचर के साथ जो है और कनेक्टिविटी जो है बढ़ती जाएगी। तो यहाँ पे देखिए हिबिस्कस के जो कटिंग है मैंने ये लगा दिए हैं, और कुछ कटिंग मैंने जो है हिबिस्कस के गमले में ही लगा रखे हैं। और दोस्तों इस टाइम पे जो है हम गर्मियों के जितने भी फ्लावर हैं या फिर वेजिटेबल आप लगाते हैं तो इनके सीड लगाने बहुत ज़रूरी है, इस टाइम पे आप लगा लीजिए। तो मैंने लगा रखे हैं, उसका वीडियो मैं अगली वीडियो शेयर करूंगी आपके साथ। तो यहाँ पे देखिए अभी भी मेरे जो है क्रिसेंथीमम के जो फ्लावर हैं वो ब्लूम हो रहे हैं और गार्डन में बहुत ही अच्छा लग रहे हैं। बाकी तो मैंने क्या किए हैं कि उनको काट के प्रिजर्व कर लिए हैं अगले साल के लिए, और लेकिन कुछ ऐसे पौधे हैं मेरे क्रिसेंथीमम के जिनकी ब्लूमिंग बहुत ही प्यारी सी जो चल रही है। और